Assalamualaikum, welcome to Kitchen with Harum. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको दूध वाली मलाई से मक्खन और बटर बनाने का तरीका। आज तक आपने YouTube पे जितनी वीडियोस देखी होंगी वो मक्खन की ही देखी होंगी कि मलाई से जो है हम मक्खन कैसे बनाते हैं, उसी को बटर का नाम भी दिया होता है। लेकिन बटर और मक्खन ये अलग अलग चीज़ें, तो आज हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे कि कैसे इससे हम मक्खन तैयार करेंगे और कैसे जो है हम बटर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हमने दूध वाली मलाई ली है, जो तो हम दूध को बॉईल करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसे। तो उसके ऊपर जो मलाई आती है वो मलाई हमने ले ली है। आप उस मलाई को जमा कर सकते हैं फ्रीज़र में, जितने दिन तक आप जमा करना चाहें। जब वो जमा हो जाए, आपको लगे कि ये काफ़ी है, तो फिर आप उसको आगे यानी कि कर सकते हैं, उसका मक्खन बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ये मलाई ले ली है, ये तकरीबन 4 किलो के करीब मलाई है। इसे हमने फ्रीज किया हुआ था, तो इसे अब हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये इतनी गर्म है कि इसमें हम फिंगर डिप नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो अब हम इसे यानी कि तैयार करते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। इसमें हम 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे, ये खट्टा दही है। 2 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए हमने इस मलाई को बहुत ज़्यादा गर्म किया है। अगर आप ये काम गर्मियों में करें तो फ्रीज़र इतना गर्म ना करें, बस नीम गर्म कर लें, और इतना कि जो फ्रीज़र में अगर आप इसको स्टोर करें तो फ्रीज़र से निकालने के बाद सारी को अच्छे से मेल्ट करके और नीम गर्म कर लें गर्मियों में। और अगर आप सर्दियों में करें तो इसे अच्छे से आप गर्म कर लें, कोई मसला नहीं है। और इसमें हमने यानी कि 2 खाने के चम्मच दही का डाला है। अब इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे ढक्कन से, और किसी गर्म कपड़े से इसे अच्छे से कवर करके, और आप इसे रात भर छोड़ दें। हम इसे रात भर छोड़ेंगे अच्छे से कवर करके, गर्म कपड़े से इसे अच्छे से कवर करें। और अगर आप इसे सर्दियों में बनाएं तो फिर इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको ढक्कन से अच्छे से कवर करें और इसे छोड़ दें, तो ये जो है अच्छे से बन जाएगी। तो इसे हम रात भर ऐसे ही छोड़ेंगे। मिलते हैं आपसे सुबह और आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है, और आगे आपको बताएंगे कि इसका क्या करना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ये देखें हमारी मलाई जो थी, इसे हमने रात भर जमने के लिए छोड़ दिया था दही डाल के, और ये देखें काफ़ी अच्छी जो है जम चुकी है। सारा घी इसका ऊपर आ गया है, दही इसका नीचे बैठ गया। ये देखें अब इसे हम मक्खन बनाएंगे, बटर बनाएंगे, देसी घी बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सब चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक घड़ा है। हम घड़े में इसका मक्खन बनाएंगे, जैसा कि गांव में बनाया जाता था। मैं जो है इसमें बनाती हूँ हमेशा, मुझे इसमें आसानी लगती है। मेरे पास इसकी मशीन भी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप जो है ब्लेंडर में निकाल सकते हैं जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, या आपके पास कोई भी मशीन हो, हैंड यानी कि इलेक्ट्रिक बीटर हो, आप उससे भी बना सकते हैं। मैं जो है ज़्यादा बनाती हूँ इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ, तो इसमें जल्दी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने जो मलाई का दही बनाया था वो इसमें डालेंगे। ये हमने सारा दही जो है घड़े के अंदर डाल दिया है। ये 4 लीटर मलाई में हमने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है, और ये हमने रूम टेम्परेचर पे पानी डाला है। ठंडा पानी अभी इसमें नहीं डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे डाला है। दही भी हमारा रूम टेम्परेचर पे था, अभी थोड़ा गर्म ही था क्योंकि इसे हमने अच्छे से कवर करके रखा हुआ था। अब इसे हम मशीन रखेंगे। ये हमारे पास मशीन है, तो हम इसके साथ इसे बीट करेंगे। तो मशीन को हम ऑन करेंगे और 5 मिनट के लिए बीटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए इसको बीट होते हुए, अब हम इसे बंद करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। इसको उतारेंगे आराम से। मक्खन जो है बनना शुरू हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें ये मक्खन बनना शुरू हो गया है। अभी इस पॉइंट पे हम इसमें बर्फ़ डालेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसे इसको लस्सी से अलग करना बहुत मुश्किल होगा।
अगर हम इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे तो इसके जो सख्त होके सर्दी की वजह से अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएंगे तो इसके ढेले बन जाएंगे, तो हमारे लिए निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। अब हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। ये देखें, ये हमने बर्फ़ लिया, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, ये बर्फ़ इसके अंदर डाल देंगे सारी। इससे क्या होगा कि मक्खन के जो है सख्त होकर ढीले बन जाएंगे और वो निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे उसको लस्सी से अलग करना, काले से अलग करना बहुत मुश्किल होगा। बर्फ़ की मदद से वो आपस में जुड़ जाएंगे ठंड की वजह से, फिर उन्हें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसे 2 मिनट मज़ीद बीट करेंगे हम। इसे एक दफ़ा चेक कर लेंगे, बंद करेंगे हीटर। अभी इसे 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बर्फ़ जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और मक्खन जो है अच्छे से सख्त हो जाए और हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। 2 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। मशीन को हमने इसके ऊपर से हटा लिया है, इसे हम साइड पे कर देंगे। इसके ऊपर से पहले मक्खन उतार लेंगे फिंगर्स की हेल्प से। हाथ हमने धोए हुए, नाखून काटे हुए, ये देखें तो हाथ हमारे साफ है। हम ये हाथ से ही निकालेंगे, कोई ग्लव्स नहीं पहनेंगे और ग्लव्स से ही काम सही होता भी नहीं है, हाथों से इजीली हम इसको कर सकते हैं। मशीन के ऊपर से हमने मक्खन को उतार लिया, मशीन को हम कर देंगे एक साइड। एक घड़े को हम थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे और साइडों से सारा मक्खन जो है ये अंदर कर लेंगे इसमें। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखें, इसे हाथों से ऐसे दबाएंगे हल्का हल्का ताकि इसके अंदर जो लस्सी है वो निकल जाए। ऐसे ही हम ये सारा निकाल लेंगे। ये मिलते हैं आपसे और आपको दिखाते हैं कितना बना है इसमें। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने मक्खन और जो बटर मिल्क था उसको अलग-अलग कर लिया। इसको बटर मिल्क भी कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे तो लस्सी कहते हैं। इसे आप ज़ाया ना करें, आप इसको कपकेक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं जो नॉर्मली यूज़ करती हूँ वो कढ़ी बनाती हूँ, इसकी कढ़ी का सालन बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप इससे कढ़ी बना सकते हैं। वैसे आप इसको पी सकते हैं चीनी डाल के या नमक डाल के, जो आपको पसंद है। ये बहुत फ़ायदेमंद है ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं या जिनके जिगर वगैरह में गर्मी होती है, पेशाब में जलन होती है, वो इसे पिए तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए। और नहीं तो आप इसे बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप बाल वॉश करें, बहुत ज़बरदस्त बाल होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, सिल्की होते हैं बालों को अगर इसके साथ वॉश किया जाए तो। पहले ज़माने की औरतें थी वो इसी से बाल वॉश किया करती थी। तो बहरहाल ऐसे ही इसके बहुत से यूज़ हैं। मैं अगर आपको इसके यूज़ बताना बैठूँ तो फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए, अब हमने मक्खन तो बना लिया, अब हमने इसे तैयार करना है बटर। बटर और मक्खन में मैं आपको बता दूँ, मेरे नज़दीक जो फ़र्क है वो ये है कि मक्खन जो है ये है जो हमने तैयार किया है। अब इसमें क्या है कि इसमें लस्सी जो है वो रह जाती है, हम कितना भी इसको निचोड़ लें लेकिन वो रह जाती है थोड़ी थोड़ी। फिर जब हम उसे कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम जो है बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारी बेकिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, सही नहीं होती। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसकी लस्सी जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे और हम इसे बेकिंग के लिए यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम बटर बनाना। बटर बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया एक बाउल, इसके अंदर हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, इतना कि जितना हमें ज़रूरत है बटर बनाने के लिए, बटर जितना हमें चाहिए वो इतना हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे। बटर जो है वो इसे हम है कह लें कि 1 माह तक सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं तो 1 माह तक ही चल जाता है मक्खन, इतना टाइम चलता भी नहीं है।
इसलिए हम अगर ये प्रोसेस कर लें तो ज़्यादा जल जाता है ये। इसके अंदर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, ये मैंने फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। बर्फ डालेंगे, मक्खन को इसके अंदर अच्छे से यानी कि मसल लेंगे ताकि इसके अंदर जो लस्सी का पानी के अंदर मिक्स हो जाए और पानी के जरिए वो निकल जाए। देखिए ऐसे इसी तरह 2 से 4 दफ़ा करेंगे या इतनी दफ़ा कर लें कि इसका पानी जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाए। ये देखें इसका पानी जो है ये हल्का हल्का ऐसा आ रहा है जैसे लस्सी का कलर होता है, वाइट वाइट सा। इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए तब तक हम ऐसे करेंगे। ये देखें इसके पानी में भी लस्सी है, ये बिल्कुल निकल जाएगी। तब तक हम इसे ऐसे करेंगे तो इसका जो लस्सी है इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाएगा। इसे अच्छे से मसल लें। और इसी से मैं आपको आगे जो है देसी घी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि घर में हम देसी घी कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं तो नॉर्मली इसका देसी घी बना के रखती हूँ। मक्खन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। बटर मैं सिर्फ इतना बनाती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है, बाकी मैं देसी घी बना के रख लेती हूँ। देसी घी ख़राब नहीं होता, वही मैं यूज़ करती हूँ। हम अच्छे से निचोड़ लेंगे ऐसे हाथ से ताकि इसका सारा पानी जो निकल जाए इसके अंदर से। अच्छे से निचोड़ लेंगे, ये वाला पानी हम ज़ाया कर देंगे। तो देखिए इसमें नीचे बटर बैठा हुआ था, ये ऐसे ही है। अब इसको फिर ऐसे फैला देंगे इसमें एक दफ़ा, फिर से ठंडा पानी डालेंगे। बर्फ डालेंगे, फिर से इसे 3 से 4 दफा ऐसे ही कराएं जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए। इसका पानी देखिए तकरीबन काफ़ी साफ हो गया। इसे मैं 1 से 2 दफा और करूँगी, फिर मैं सारा करके मक्खन सारा मक्खन जो है बटर बना के अच्छे से फिर मैं आपको इसे सेट करके फिर मैं देती हूँ आपसे। ये देखें इसे हमने तैयार कर लिया है, इसका हमने पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लिया है। ये देखें यहाँ पर हमने एक डब्बा लिया, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा था, बाहर से मिल जाते हैं ऐसे। इसके अंदर एक मैंने बटर पेपर रखा है, इसको इसके अंदर रखेंगे और फैला लेंगे ऐसे। ऐसे ही मैं बाकी सारा तैयार करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए तैयार है हमारा बटर और मक्खन, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बटर तैयार हुआ है इससे। बटर जो है ये हम ज़्यादातर कुकिंग में यूज़ करते हैं, बिस्किट बनाने हैं, केक बनाना है या केक की फ्रॉस्टिंग वगैरह के लिए। इस बटर से बहुत ज़बरदस्त बनती है बिस्किट और केक की फ्रॉस्टिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती है। और मक्खन जो है ये हम अपने नॉर्मली यूज़ के लिए रखते हैं, जैसे बच्चों के लिए खाने के सालन के साथ साग का सालन बनाओ तो उसके साथ बहुत शौक से खाया जाता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ज़बरदस्त न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।